हेलो स्टूडेंट, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑक्टेंट रूल। ऑक्टेंट रूल जो है वो एक थ्योरी के अंदर आता है, वैलेंस बैंड थ्योरी जो है उसके अंतर्गत आता है, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन साझा कर जाते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, कभी कोई जो एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, कोई ले लेता है, कोई धनायन बनाता है, कोई ऋणायन बनाता है, इसके पीछे का फंडा क्या है, ये क्यों करते हैं भाई ऐसा। इस सभी को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा ऑक्टेट रूल कि ये इस वजह से करते हैं। ऑक्टेट रूल जिसे हिंदी में हम अष्टक का नियम कहते हैं, ऑक्टेट रूल अष्टक का नियम, अष्टक मतलब क्या होता है भाई? अष्टक का मतलब होता है आठ। अगर हम इसको डिफाइन करें हिंदी में ही तो अष्टक का मतलब होता है आठ, यानी प्रत्येक एलिमेंट जो है वो अपने भारी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आठ करना चाहता है जी, आठ। अब हम आवर्त सारणी में किस में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या आठ है? हमने डिस्कस किया था वर्ग ज़ीरो या वर्ग 18 जो है, जिसे हम जीरो ग्रुप के नाम से जानते हैं, नोबल गैसेस जिसमें पाई जाती है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, इन सभी के भारी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? आठ। देखो नियोन की बात करें, नियोन का विन्यास है 1s2, 2s2 और 2p6। तो ये इसका आंतरिक कोश, ये इसका बाहरी कोश। और बाहरी कोश किस नाम से जानते हैं अपन? बाहरी कोश को संयोजकता कोश के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? आठ। इसके अंदर कितनी है? दो, और इसके अंदर है छः, तो टोटल है आठ। तो प्रत्येक एलिमेंट क्या करता है जी, मुझे आठ इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसके बाहरी कोश में आठ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वो स्थायी हो जाता है, और हर कोई अपनी स्टेबिलिटी चाहता है। यही कारण है कि वो या तो इलेक्ट्रॉनों को देते हैं, या इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, या फिर एक इलेक्ट्रॉन युग्म ही किसी को दे देते हैं। तो इस सब के पीछे यही थ्योरी है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक एलिमेंट जो है अपने भारी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आठ करना चाहता है, और इस आठ करने के लिए वो कई तरह के फिनोमिना जैसे गुजरता है या कई तरह की प्रोसेस करता है, तो उसे आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कैसे, इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे Na जिसका हमने कल डिस्कस किया था, तो इसका परमाणु क्रमांक 11 है और परमाणु भार जो है एटॉमिक मास नंबर 24 है। तो इसका विन्यास जब देखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अब इसका ये भारी कोश है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी? दो, इसमें टोटल आठ और इसमें एक। अब इसके भारी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है एक। अब इसके भारी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को करना है हमें आठ। अब इसके पास एक है तो आठ तो इसको कोई देने नहीं बैठा कि भाई तू ले ले आठ, सात ले ले तो तेरे टोटल आठ हो जाएंगे। फिर ये क्या करेगा? ये कहता है कि भाई कोई मुझे सात तो देगा नहीं, तो ऐसा करता हूँ मैं एक दे देता हूँ। क्योंकि इसके जाते ही यहाँ इलेक्ट्रॉन अब क्या हो जाएंगे, ये भारी कोश बन जाएगा, ये संयोजकता कोश बन जाएगा, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी आठ। तो सोडियम कहता है भाई मुझे कोई देगा तो है नहीं, तो ऐसे करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, मुझे नहीं देगा तो क्या हुआ, मैं दे देता हूँ किसी को। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, और हमें पता है जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है तो धनायन बनता है यानी केटायन बनता है। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है और बन जाता है जी सोडियम प्लस में। और क्या बन जाता है इसका विन्यास? 1s2, 2s2, 2p6। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें दो है जी और इसमें आठ। इसने कर लिया अपना अष्टक कंप्लीट कर लिया। उसी तरह एक क्लोरीन है, क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है जी 17 है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5 इसका विन्यास है। तो जी इसका देखो दो, आठ और सात। अब इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। या तो दो ही तरीके हो सकते हैं, ये सात इलेक्ट्रॉन अपने किसी को दे दे,
या एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लें, परंतु ये इतना बेवकूफ़ नहीं है कि 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसलिए क्या करता है ये कि भाई मेरे को तो एक ही चाहिए, मुझे एक दे दो। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है सोडियम वाला, क्लोरीन को सोडियम कहता है, तू ले ले भाई, मेरा भी ऑक्टेन कंप्लीट हो रहा है। तो भाई ले लेता है ये इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऋणायन बनता है, यानी एनायन बनता है। तो अब इसका विन्यास हो जाता है अभी 2 8 8। अब देखो दोनों का ही काम हो गया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया। सोडियम सोडियम प्लस में बदल गया और क्लोरीन Cl- माइनस में बदल गया, यानी धनायन और ऋणायन बन गए। और इस तरह से दोनों का ऑक्टेन कंप्लीट हो गया और ये एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं NaCl, और वो बॉन्ड होता है आपका आयनिक बंध। ये कौन सा बंध होता है? आयनिक बंध, आयनिक आयनों के बीच में पाए जाने वाला बंध, आयनिक बंध। हाँ, इस आयनिक बंध को हम नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर हम यहाँ सिर्फ ऑक्टेन रूल ही डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑक्टेन रूल दोनों ने अपना कंप्लीट कर लिया, कैसे? सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे के और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले के। अब और भी देखते हैं कि क्लोरीन को सोडियम तो मिलने से रहा हमेशा, कि हाँ भाई हमेशा सोडियम अवेलेबल है, तू ले ले, तू दे रहा है और मैं ले रहा हूँ, तो क्या होगा? तब क्लोरीन और भी कोई नया पाथ अपनाए। अब हमें पता है कि क्लोरीन के भारी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। तो हमने इसकी लुईस डॉट सिंबल संरचना बनाई थी। देखो इसमें 3 तो ऐसे पेयर्ड है, एक क्या है आपका अनपेयर्ड। उसी तरह से एक और क्लोरीन ले लो जी, उसमें भी यही होगा, उसमें एक अनपेयर्ड होगा और सारे इसमें पेयर्ड। अब ये क्लोरीन इस क्लोरीन को कहता है मेरे भी भारी कोश में 7 है, तेरे भी भारी कोश में 7 है। तो अब क्या करें कि ऐसे करते हैं जी, हम साझा कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं। अब देखो इसके भी 8 हो गए और इसके भी 8 हो गए। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं दोनों में गिने जाएंगे। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले भी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अब इन्होंने इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया। और ये जो बंध बनता है साजिश से बना बंध है, इसलिए ये कहलाता है जी सहसंयोजक बंध। ये क्या कहलाएगा? सहसंयोजक बंध। तो इस तरह से क्लोरीन या तो इलेक्ट्रॉन लेके या साझा करके अपने भारी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 कर लेता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एलिमेंट किस तरह से आयनिक बंध बना के या सहसंयोजक बंध बना के, इसके अलावा उपसहसंयोजक बंध भी होता है, उसके द्वारा भी ये लोग अपने भारी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 8 कर लेते हैं। अब ये जो रूल है, अब जब केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री तो अपवादों का ज्ञान है जी, अपवाद तो होंगे ही होंगे। तो इस नियम के भी कुछ अपवाद है जिसे हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हर कोई जो तत्व है या फिर कोई यौगिक है, कंपाउंड है, अपने भारी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 करना चाहता है। परंतु कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनके भारी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 नहीं है या 8 से ज़्यादा है, तो भी वो स्थाई है। देखते हैं, तो पहले हम देख लेते हैं न्यून अष्टक वाले कई कंपाउंड्स, जो न्यून मतलब जिनका न्यून अष्टक है जिनका, यानी जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से क्या है, कम है, 8 इलेक्ट्रॉन कम है। देखो BF3 देखते हैं, हमें जब B का विन्यास देखते हैं बोरोन का, तो होता है जी 1s2 2s2 और 2p1, यानी इसके भारी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 3। तो B के भारी कोश में इलेक्ट्रॉन 3 है जी। अभी हमने क्लोरीन का देखा था, क्लोरीन के भारी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है, तो फ्लोरीन भी उसी ग्रुप का है, तो उसके भी भारी कोश में कितने होंगे भी? 7 होंगे। और 3 फ्लोरीन है हमारे पास, तो ये अब तीनों फ्लोरीन क्या करते हैं, इस बोरोन के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं और BF3 बन जाता है। अब देखते हैं, इसके भारी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 6 है ये, 7 8, इसके भारी कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके भारी कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन है। परंतु जब B की बात करते हैं तो 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड के अंदर 2 है, तो 3 के अंदर कितने हो गए? 6। तो इस बोरोन के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक कंप्लीट नहीं है, पर फिर भी BF3 हम देखते हैं एक स्थायी यौगिक है। तो ये अष्टक न्यून का उदाहरण है, अपवाद है उसका, कि इनके पास बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो भी ये यौगिक स्थायी है,
इसी तरह से हम देख लेते हैं BeCl2 यानी जो बेरिलियम है इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 2। वो क्लोरीन के साथ बंध बना रहा है, वही साजे से बंध बना रहा है और स्थाई यौगिक है। और इसके बाहरी कोश में अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए जी, 4। तो इस तरह से हमने देखा अष्टक के नियम में पहला जो अपवाद है वो है न्यून अष्टक वाले जो यौगिक है। अब हम देख लेते हैं जी अष्टक का प्रसार। अष्टक का प्रसार कैसे होता है उस वीडियो में हम अब हम देख लेते हैं जी अष्टक का प्रसार। अष्टक का प्रसार कैसे, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बस कुछ यौगिक ऐसे भी हैं जिनके बाहरी कोश में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, तो देख लेते हैं कैसे होता है अभी प्रसार। जैसे PCl5 का एग्जांपल लूँ तो हमें पता है कि फास्फोरस जो नाइट्रोजन फैमिली के नीचे आता है उसी ग्रुप का मेंबर है, तो फास्फोरस के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5। 5 है जी, बना दिए मैंने। क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 है, हर कोई क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, क्लोरीन तो अपना काम निकाल रहा है। क्लोरीन के बाहरी कोश में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इन सारे क्लोरीन के बाहरी कोश में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, परंतु ये जो फास्फोरस है इसके बाहरी कोश में कितने हो गए भाई, 5 बॉन्ड बना दिए इसने, एक बॉन्ड में 2 तो 5 में 10 तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह से हम बात करें SF6 की, तो SF6 में जो सल्फर है इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 6 है, और हर कोई फ्लोरीन उसके साथ बॉन्ड बना रहा है, और ये बॉन्ड कौन से हैं, सहसंयोजक बंध है। तो इस सल्फर के भारी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो रही है, इस सल्फर के भारी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 हो रही है, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 तो 6 में 12। इस तरह से हमने देखा कि कुछ एलिमेंट्स या कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनके भारी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 या 8 से ज़्यादा होती है या 8 से कम होती है तो भी वो स्थाई है। हालांकि ये नियम हमने लिया किसके बेस पे था, नोबल गैसेस के बेस पर कुछ नोबल गैसेस ऐसे हैं जो इस रूल को खुद तोड़ देती है। देखिए जिनोन F2, जिनोन का ले लो आप, जिनोन के भारी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 है जी, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रही है 2, वो तो टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। तो इस तरह से आज हमने अष्टक का नियम किस तरह से होता है, उसके कितने अपवाद है, बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू आज हमने समझा। थैंक यू।